सो है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा कम सीसी बाइक के बारे में, जो कि जो डिलीवरी बॉय है उसके लिए एक महत्वपूर्ण ऑप्शन हो सकता है, मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ होंडा की तरफ से आने वाला होंडा सिटी 110 के बारे में, जो कि फाइनल VSX में लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों इस बाइक में आपको VSX में क्या क्या न्यू फीचर्स करा है कंपनी की तरफ से, उसके साथ ही इसका का एग्जॉस्ट का साउंड है VSX में कैसे इसका एग्जॉस्ट का साउंड, वो भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों आपके पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देख लीजिए, ताकि इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के एंड में आपको सब कुछ समझ में आ सके। उसके साथ ही इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक दोनों साइड में जाकर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद उधर DM भी कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही उधर रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हेलो दोस्तों, मैं हूं रूपम और आप देख रहे हैं आरके रूपम चैनल। तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ हसन होंडा शोरूम को, जो कि बिल्डर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल है, क्योंकि उन्होंने ये बाइक मुझे दिया है रिव्यू करने के लिए। और गाइस, आप में से मेरे कोई भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो मैं शोरूम का प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो वहाँ पर जाकर शोरूम से आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले बात करें तो बाइक का बॉडी ग्राफिक्स के बारे में, बॉडी ग्राफिक्स आपको जो पहले बेस फॉर्म में मिलते थे कुछ उस टाइप का ही मिलेगा, लेकिन इसमें जो कुछ छोटे मोटे जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो मिल जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ इस बाइक में आपको 7 सेंसर भी ऐड कर दिया अभी VSX में, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे टैंक है इसका, जो टैंक है, टैंक के दोनों साइड में आपको जो लोगो मिलता है होंडा का वो भी मिल जाता है। और साथ ही साथ बॉडी ग्राफिक्स में आपको, टैंक के ग्राफिक्स में आपको थोड़ा बहुत बदलाव दिया गया है VSX में, न्यू ग्राफिक्स लगा हुआ है आप लोग देख सकते होंगे। इसके साथ ही आप लोग देख रहे होंगे इसका जो टेल सेक्शन है, टेल सेक्शन में आपको CD110 की एक लोगो भी मिल जाता है। दोस्तों ये ड्रम वेरिएंट है, इसलिए इसका जो CD110 का नीचे आपको ड्रम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो ड्यूलक्स वाला वेरिएंट है उसमें आपको ड्रम के बदले ड्यूलक्स लिखा हुआ मिल जाता है। दोस्तों इस बाइक में आपको ESP टेक्नोलॉजी, जो एनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी होंडा प्रोड्यूस करते हैं, वो भी मिलता है इस बाइक में, जो कि इंजन स्टार्ट करने के टाइम में एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो इंजन है वो पहले से और भी ज़्यादा स्मूथ कर दिया है कंपनी ने। बात करें सीट के बारे में तो आप लोग देख रहे होंगे इसका जो सीट है वो पहले से बहुत ही लंबा, मतलब इस बाइक में पहले से आपको बहुत ही लंबे चौड़े सीट मिल जाता है, और इसमें आपको सिंगल सीट दिया गया है जो कि बहुत ही कम्फर्ट है। और इसका जो सीट हाइट है वो आपको मिलता है 790 mm की सीट हाइट। उसके साथ ही आप लोग देख रहे होंगे इसका जो ग्रैपल्स है वो पहले से चेंज है, एकदम ही चेंज करा है। जैसा कि मैंने कहा पहले, जो डिलीवरी बॉय होता है उसके लिए ये बाइक एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि इसका आप लोग देख रहे होंगे इसका जो पीछे का ग्रैपल्स है बहुत ही स्टील कलर के साथ इसका ग्रैपल्स दिया गया है, और बहुत ही चौड़े के है, मतलब इस ग्रैपल्स के ऊपर आप बहुत ही आराम से आपका जो लगेज बैगेज होता है वो आप आराम से इस बाइक में रख सकते हैं। तो ये जो फीचर्स है वो अभी इस बाइक में आपको मिल जाता है। और इस ग्रैपल्स में दोस्तों आप 3 kg आप लोग देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है, मैक्सिमम 3 kg की वेट आप इजीली से इस ग्रैपल्स के ऊपर रख सकते हैं। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो वो होता है इसका इंजन। दोस्तों इस बाइक में आपको मिल जाता है 109.51 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजन सिस्टम VSX कंपाइन इंजन। दोस्तों इस बाइक में आपको HET का जो इंजन मिलता है होंडा का वही इंजन मिल जाएगा, और इस इंजन में आपको मिलता है 8.67 bhp का पावर एट द रेट 7500 rpm के साथ। टॉर्क आपको मिल जाता है 9.30 Nm का टॉर्क एट द रेट 5500 rpm के साथ। दोस्तों इस बाइक में आपको 4-स्पीड गियरबॉक्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ बात करें इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, आप लोग देख रहे होंगे इसका जो ब्रेक है आपको ड्रम ब्रेकिंग मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कॉम्बो ब्रेकिंग का इस्तेमाल करा है कंपनी ने। तो फ्रंट में आपको मिलता है 130 mm की ड्रम ब्रेक, और रियर में आपको मिल जाता है 130 mm की ड्रम ब्रेक, मतलब दोनों साइड आपको ड्रम ब्रेकिंग मिल जाते हैं 130 mm की, जो कि कॉम्बो ब्रेकिंग के साथ ही आता है। तो साथ ही दोस्तों बात करें इसका स्विचिंग के बारे में, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट साइड के स्विचिंग के बारे में बात करें, पहले से बहुत ही इंक्रीज करा है इसका स्विचिंग, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही मतलब स्टाइलिश स्विच आपको इस बाइक में मिल जाता है, जो कि जिसका बिट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपको पासिंग लाइट की स्विच भी मिल जाता है, अपर डिपर और जो इंडिकेटर का स्विच है वो भी मिलता है लेफ्ट साइड में, और ठीक उसके नीचे आपको एक हॉर्न की जो स्विच है वो भी मिलता है लेफ्ट साइड के हैंडल। और राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड के हैंडल में आपको मिल जाता है, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों राइट साइड के हैंडल में आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपको एक ही बटन दिया गया है, और जो कि सेल्फ और इंजन का जो किल स्विच है वो दोनों का काम करता है।
तो ये जो फीचर्स है होंडा का हर एक बाइक में अभी आपको मिल जाता है देखने। और गाइस आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि भैया इस बाइक का कितना माइलेज है, तो फाइनली दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, तो कंपनी का क्लेम है इसका जो माइलेज है वो मिलेगा 74 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। और इसका जो टॉप स्पीड है वो आपको मिलता है 86+ किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड। और दोस्तों आप बताना कमेंट करके, ये बाइक अगर आपके पास है मतलब BS6 अगर आपके पास है तो इसमें आपको कितना माइलेज दे रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट मुझे करके ज़रूर बताना। उसके अलावा इस बाइक में आपको चारों फुट रेस्ट मिल जाता है। प्लेन का जो फुट रेस्ट है पीछे दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे गोल शेप के साथ ही आया है और जो फ्लेक्सिबल है। और सामने की ओर जो राइडर का फुट रेस्ट है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, एकदम फिक्स फुट रेस्ट दिया गया है राइडर के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ये मुझे कुछ कमियां लगा इस बाइक में। और साथ ही साथ पीछे के साइड में आपको एक साड़ी गार्ड भी दिया गया है जो कि स्टाइल के साथ ही लग रहा है देखने में, मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है जो साड़ी गार्ड है इसका। और उसके साथ ही बात कर लेते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस, दोस्तों इसमें आपको 162 mm के ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो कि पहले से 16 ज़्यादा है। और व्हील बेस आपको मिलता है 1285 mm की व्हील बेस। और फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक का वेट, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ही लाइट वेट बाइक है, तो इसका जो वेट है वो आपको मिल जाता है 112 kg की वेट। साथ ही साथ बात करें इसका व्हील्स के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों साइड 18 inch का व्हील दिया गया है जो कि ब्लैक कलर के साथ ही आता है। और दोस्तों इसका जो डिलक्स वेरिएंट उसमें आपको सिल्वर कलर की व्हील्स मिल जाता है, लेकिन ड्रम में आपको ब्लैक कलर की व्हील्स ही मिलेगा। इसमें मडगार्ड आप लोग देख रहे होंगे, इसके मडगार्ड के ऊपर आपको क्रोम पेपर का जो फिनिश है वो भी नज़र में आएगा, तो इससे बाइक का जो फ्रंट का लुक है और भी ज़्यादा मस्कुलर हो जाता है। सस्पेंशन के दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं BS6 में जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में इस बाइक को। फ्रंट की अगर हम बात करें तो इसके जो हेडलाइट है आप लोग देख रहे होंगे, हेडलाइट आपको पहले की तरह ही मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात इसमें जो न्यू एक फीचर्स ऐड करा हुआ है इसका DC हेडलाइट, जी हाँ दोस्तों में आपको DC हेडलाइट मिल जाता है अभी BS6 में जो कि पहले नहीं मिलते थे। तो आप जब स्टार्ट करेंगे बाइक को तब इसका जो हेडलाइट का कोई ब्लिंक इशू होता है जो पहले वो अभी BS6 में नहीं होगा, तो ये फीचर्स मुझे सबसे बढ़िया लगा। तो इसमें आपको हेलोजन बल्ब भी मिलेगा पहले की तरह ही। और पीछे के बैकलाइट की अगर हम बात करें, बैकलाइट का कटिंग आपको थोड़ा सा चेंजेस मिल जाता है देखने में, लेकिन इसमें आपको बल्ब टाइप का बैकलाइट मिलेगा। और इंडिकेटर की अगर हम बात करें, इसमें आपको जो चारों इंडिकेटर है वो नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ा ही फ्लेक्सिबल है ज़्यादा नहीं, तो इसमें आपको बल्ब टाइप का इंडिकेटर मिलेगा जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और पहले से इसका जो कटिंग है वो थोड़ा अलग टाइप का दिया है। तो इसमें आपको फ्रंट में मिलता है, फ्रंट का जो टायर साइज है वो आपको मिलता है 80x100 की 18 inch का ट्यूबलेस टायर। और रियर में भी आपको मिल जाता है 80x100 की ट्यूबलेस टायर 18 inch का, जी हाँ दोस्तों दोनों साइड आपको 18 inch का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा। और आप लोग देख सकते होंगे इसका जो टायर का वेट है वो पहले से थोड़ा मोटे टाइप का टायर इस बाइक में अभी ऐड कर दिए। और गाइस उसके साथ ही और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें इस बाइक में, वो है इसका सस्पेंशन, जी हाँ दोस्तों इसमें आपको फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक फॉक टाइप सस्पेंशन। और रियर में आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि नो एडजस्टेबल है। गाइस उसके साथ ही बात कर लेते हैं इसका एग्जॉस्ट के बारे में, तो आप लोग देख रहे होंगे इसका जो एग्जॉस्ट का पाइप है उसमें आपको एक कैटलेटिक कन्वर्टर भी मिल जाएगा, और ठीक उसके ऊपर आपको जो ऑक्सीजन का सेंसर है वो भी मिल जाता है इंजन के साइड में। और एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपको एग्जॉस्ट के ऊपर एक स्टील फिनिश के साथ एक कवर भी दिया गया है जो कि प्लेन का जो पैर है इससे सेफ्टी रहेगा, तो इसलिए इसका जो पैनल है। तो दोस्तों अब मैं सुनाऊंगा इसका एग्जॉस्ट का साउंड, तो चलिए सुनते हैं। तो गाइस कैसा लगा इसका एग्जॉस्ट का साउंड प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताना। गाइस उसके साथ ही बात कर लेते हैं इसका मीटर कंसोल, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इसका जो मीटर कंसोल का कटिंग है वो पहले से थोड़ा चेंजेस मिल जाता है आपको देखने में। इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग ही मिल जाता है, लेकिन इसका जो मीटर कंसोल है वो भी एनालॉग ही मिलेगा। यहाँ दोस्तों इसमें आपको दोनों टाइप का मीटर कंसोल यूज़ करा है गोल शेप के साथ, और आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपको बीच में एक होंडा के लोगो भी मिल जाए। तो इस मीटर कंसोल में आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेगोमीटर ये सब तो मिलेगा है। इसके साथ ही इसमें आपको जो इंजन का जो इंजन मैनुफंक्शन जो लाइट होता है वो भी मिल जाएगा अभी BS6 में। साथ ही साथ गाइस बात कर रहे थे इस बाइक के कलर के बारे में, तो इस बाइक में आपको ड्यूलेक्स और ड्रम दोनों वेरिएंट में आपको बहुत सारे कलर की ऑप्शन भी मिल जाता है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में। और साथ ही साथ लास्ट और फाइनली बात कर रहे थे इस बाइक का प्राइस के बारे में, तो दोस्तों ये बाइक आपको दो वेरिएंट में मिल जाते हैं, एक इसका ड्रम वाला वेरिएंट और दूसरा इसका ड्यूलेक्स वाला।
ड्राम वाला वेरियंट का प्राइस आपको मिलता है 64,464 रुपीज़, जो कि इसका एक्स रूम प्राइस कोलकाता के प्राइस है। और जो इसका ड्यूलक्स वाला वेरियंट है उसका प्राइस आपको इससे 1,000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब ड्यूलक्स वाला वेरियंट लेने के लिए आपको 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है, मेरे हिसाब से लगता है इसका ऑन रोड प्राइस 80,000 के आसपास हो जा सकता है, और बाकी तो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। आपका स्टेट में कितना प्राइस है वो आप पता कर सकते हैं आपका नियर बाई होंडा शोरूम में जा। और अगर आप जानना चाहते हैं इस शोरूम का प्राइस, तो मैं इस शोरूम का प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पर जाकर आप शोरूम से कॉन्टैक्ट करके पूछ पाएंगे इसका क्या ऑन रोड प्राइस है। तो से यही था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन होंडा CD110 के बारे में, और आप बताना कमेंट करके इस बाइक का कौन सा पार्ट और कौन सा फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। उसके साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों इसी तरह की बाइक रिलेटिव A to Z वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।